आप सभी का मैं एक पारंपरिक तरीके से स्वागत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जो निशी समाज के तो हैं ही, लेकिन पूरे अरुणाचल के प्रत्येक जो आदिवासी समाज है उनका गर्व है। मैं हमारे जो डॉक्टर नीलम नेगा एसपी पापुलपारे उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप पर हम गर्व करते हैं और आपको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे हमारा ये मकसद था कि आप जैसे लोग हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। आपका यहाँ आना, आपका यहाँ मौजूद होना ही बहुत सी चीज़ें, बहुत सी भाव जो अनकहा है, अनस्पोकन चीज़ें जो इंस्पिरेशन बन करके हम सभी के भीतर उतरता है। इसलिए आपका यहाँ इस विद्यालय के परिसर में आना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ मौजूद सभी बच्चों से और सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं उनके आने से और उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार किया, इसीलिए एक ताली जोरदार ताली उनके लिए। केंद्र प्रदेश प्रोग्राम डॉक्टर नीलम निगम इज एसपी पवन पारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सर, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड। यूनिट वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन। सर, वी आर प्लीज्ड टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Bombpati Mission School was established in the year 1984. So obviously, I was nowhere in the picture during those days. The school is now 38 years old, and I am somewhere near 48, 49. So in the age of 10 or 9, 11 years, I cannot do such things. So this was a philanthropic activity, a mission started by our former Chief Minister, Mr. Gavin Appa. This NGO as Bombpati Mission School, he started. And he started Boni Pulo Mission also. And during those days, as I know, he approached the people of this village through Mr. Rakitana Tara, who is one of the senior citizens of this place, and the land donors like I'd like to mention there might have been many land donors, but as per report of the NGO, late Anna Epa
PI, late Tana Tegi and Tana Teti, he's still alive, head GB of this village. They donated this land to the NGO headed by Gayon Apa, those days. And true to his words, Mr. Apang, the then Chief Minister, started to give free education to the orphan and the poor children, not only of Apumpale district, not only of this village, but from various parts of the state. Many people got their free education facility from this DK Mission School. आज हम लोग ने बॉम खाकिर स्कूल है, इसका जो स्कूल एनुअल स्कूल वीक है 14 to 20 दिसंबर के लिए है, उसमें हमने ज्वाइन किया। हमारा अच्छी विवेक का इनविटेशन पे, चेयरमैन है यहाँ का, इसका इनविटेशन पे हमने ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था। हमने जो इंडिजिनस जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करते हुए यहाँ देखा। और यहाँ स्कूल जो मैं बचपन में जो देखा था उससे जैसा था उससे काफ़ी बदलाव भी देखा, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ये जो माहौल हो, सब कुछ बदलते हुए देखा। और शायद ये हमारा जो चेयरमैन है यहाँ का बॉम खाकिर स्कूल है, इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें आज का ये जो सेलिब्रेशन है, इसमें मैं ज्वाइन करते हुए मैं हमारा जो बच्चों लोग है उसको मैं यही कहूँगा कि जो स्कूल वीक को सीरियसली लें, इससे कुछ सीखें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा जो करिकुलम, जो नॉर्मल जो लर्निंग करिकुलम है, जो टीचिंग स्टाफ से, उससे उसके साथ में ये भी सीखें। क्योंकि आप अल्टीमेटली आप सिर्फ पढ़ाई में ठीक नहीं भी हो सकता है, आपका लाइफ क्या पता खेल कूद में भी हो, या आपका लाइफ सिंगिंग में हो, यू नेवर नो। आप देखिए विराट कोहली है, मेसी है, फुटबॉल क्रिकेट में कितना नाम कमा रहा है कि नहीं। तो वैसा ही यहाँ का लोग, जो बच्चा लोग है, उसका जो टैलेंट है इसमें भी हो सकता है। तो ये स्कूल वीक ये एक होता है आपको एक अपना टैलेंट को शो करने का, अपना टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का एक मौका देता है। तो ये है, इन एडिशन टू दैट स्कूल वीक हमेशा इसका एक अच्छा चीज़ ये रहता है कि आपको एक टीम में काम करने का मौका देता है, टीम स्पिरिट में काम करने का मौका देता है, आप एक दूसरा को जानता है। तो ये है, इन एडिशन टू दिस, आप स्कूल वीक में ये क्या करता है कि आप जो नॉर्मल जो स्टडीज करते करते आपको बोरिंग होता है, या कभी कभी एक मोनोटोनस जिंदगी होने से कभी कभी लाइफ बोरिंग होता हो, तो उसमें से भी आपको साइड करके खेल कूद जब देता है तो आपको लाइफ में जो मेंटल पीस देता है, फिजिकल पीस देता है। तो ये है, तो ये इसको स्कूल वीक को अच्छा से मनाएं। और हमेशा ये मैं यही कहूँगा, हमेशा जब भी मैं आप लोग को द्विमुख न्यूज़ को जब भी मैं यही बोलता मिलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि बच्चा लोग यूथ है ड्रग से दूर रहे, है कि नहीं, और ट्रैफिक रूल अच्छा से फॉलो करें, और साथ में जो साइबर क्राइम है इससे दूर रहे। कुछ भी जो नहीं जानता है, आजकल मोबाइल का ज़िंदगी है, अननेसेसरी इसको छेड़खानी ना करें। कुछ भी जो नया चीज़ है उसको यूज़ करने से पहले जो एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट है उस इन लोगों के साथ बात करें, और ये सब इसके बाद ही अपना है।
इसके साथ में मैं सभी को यहाँ का जो बॉम खाकर मिशन स्कूल का जितना भी लोग है, टीचिंग स्टाफ्स हो गया, चेयरमैन है, प्रिंसिपल मैडम है, और यहाँ का स्टूडेंट्स है, सभी को मैं वंस अगेन ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि अच्छा से मनाए ये कॉलेज वीक. थैंक यू. आई हैव अ क्लियर मैसेज टू द स्टूडेंट्स. सी, नोबडी विल क्रिएट हिस्ट्री फॉर यू. यू योर सेल्फ हैज़ टू क्रिएट द हिस्ट्री. And you know, being a student, now we are living in a digital era. You should be very supersonic and cope up with the present scenario. So in today's world, you will find a complexity in the society. Now you have to cope with those complexity. आपको सब चीज़ जानना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो सर ने, एस पी सर ने बोला. मेंटली यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रॉड, एंड यू हैव टू एक्सरसाइज योर माइंड एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो. और सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों को स्कूल में क्या सीखना चाहिए, टू यू नो मिंगल अप विद द स्टूडेंट फ्रेंड्स फ्रॉम द यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिलीज ना. एंड आपको ये जानना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन यू नीड टू वर्क फॉर द एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, बिकॉज एनवायरमेंट इज टॉप एमोंग ऑल. You know, और सबसे और एक बात है कि आई हैव लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द चेयरमैन ऑफ दिस बॉम काकरी मिशन वेरी केयरफुली. ही वॉज मैंसनिंग अबाउट द यू नो दिस स्कूल वंस अपॉन ए टाइम वॉज फंडेड बाई द गवर्नमेंट, एंड आफ्टर डाउनफॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिस स्कूल यू नो बिकेम द विक्टिम्स बिकॉज देयर वॉज फंडिंग प्रॉब्लम. एंड एज ऑफ नाउ ऑल्सो यू नो ग्रानिन एंड इज वेरी लो, एंड इट इज़ यू नो वेरी वेरी मिगर अमाउंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कूल. एक्चुअली हम ये बोलना चाहते हैं कि सी, एजुकेशन को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. एजुकेशन, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको बढ़ावा देना चाहिए. नो मैटर हु इज़ रनिंग द स्कूल और जो भी हो, कौन चला रहा है उसे क्या फर्क पड़ता है, कौन पढ़ रहा है, हमारा देश का लोग पढ़ रहा है, हमारा स्टेट का लोग पढ़ रहा है. एंड यू नो आई हैव यू नो आई वॉज लिसनिंग टू द स्पीच इज स्पीच ऑल्सो कि ही वॉज मैंसनिंग अबाउट यू नो ही इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द ऑर्फनेज, एंड इट इज़ अ ट्रेमेंडस एंड अ माइंड ब्लोइंग जॉब. एंड इट इज़ यू नो मैंने कि बहुत अच्छा चीज़ है कि ऐसे अगर इफ समबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू यू नो हेल्प दोस ऑर्फन, दैट इज़ यू नो प्राउड मोमेंट फॉर एवरी यू नो पीपल ऑफ दिस का ये है. तो पढ़ाई का साथ साथ हम लोगों को जब कोई पढ़ा रहा है तो उसको एकदम हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग उसका उपयोग अच्छा से जानना चाहिए. एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम बिकॉज लाइफ कम्स ओनली फॉर वन टाइम. यू डू नॉट हैव सेकेंड चांस इन अ लाइफ. नाउ यू हैव टू एन्जॉय द लाइफ ना विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मैसेज टूवर्ड द सोसाइटी. और हमने आगे बोला है, वी ऑल आर हियर इन दिस वर्ल्ड ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस विद अ सर्टेन पर्पस, एंड पर्पस हैज टू बी अचीव. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. मैं लेफ्टिनेंट प्रविंदर सिंह आज यहाँ पे आकर सम दृष्टि प्रोग्राम से यहाँ पे आए और बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम किए. मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ विवेक सर का, एल मैडम्स का, एस पी सर का, ओलोदा सर का, उन सब साथ में थे. बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया. और मेरे तरफ से मैं विश करता हूँ कि ये जो बच्चे स्कूल के जो है कि आगे जाके भविष्य में जाके अच्छे नागरिक बने और अरुणाचल के भागीदारी में बहुत अच्छे काम करें. जय हिंद.